और अब देखिए कला की एक अनोखी झलक, जहां कागज या कैनवस पर नहीं बल्कि पानी पर चित्र बनाने की दिलचस्प कोशिश हुई है। उदयपुर की अनोखी कला है जिसे एक परिवार ने जिंदा रखा है। पानी पे तैरती हुई कलाकृतियां। इस चित्र में कृष्ण भगवान मक्खन चुराते हुए दर्शाए गए हैं, लेकिन ये चित्र अपने आप में अनोखा है क्योंकि इसे पानी पे बनाया गया है। इस कला को सांझी कहते हैं। पानी की परात में पानी भरा जाता है, उस पे कोयले का पाउडर को छिड़क के बेस बनाया जाता है। काले बेस पे फिर पाउडर बुरकाया जाता है, स्टेंसिल के जरिए आकार बनते हैं और जब स्टेंसिल हटाए जाते हैं तो पानी पे ये रंग तैरते हुए नजर आते हैं। कृष्ण जन्म से कंसवत तक लीलाएं बनती है, कृष्ण जन्म से, जिसमें मक्खन चोरी है, बंसी बट है, नाग लीला है, नाव मनोरथ है और कंस की और कन्या की अलग अलग लीलाएं का वर्णन करते हैं। साल में एक बार सिर्फ त्योहारों के मौके पे ये चित्र बनाए जाते हैं। 350 साल पुरानी इस कला को 18 पीढ़ियों से राजेश वैष्णव का परिवार करता आ रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। बहुत कठिन कला है, इसको सीखने वाले बहुत कम मिलते हैं और अगर इसको सीखे तो हमारा तो यही प्रयास है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब सबको सिखाए इस कला को। राजेश ने अपने दो बेटों को ये कला सिखा दी है, लेकिन वो चाहते हैं सरकार भी इसे जीवित रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। उदयपुर से संजय व्यास के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।